वचन मोला करे बरी हे लबसन हर काचे आए कारू झर दे बादल कारा 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 जिये सिंधु वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन जिये सिंधु जिये सिंधु वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। पीछे ये कोई बना रहे हैं कुछ जी उठा रही है क्या कपास उठा रही है कपास सही है भाई कपास उठा के रखी है इसने और ये क्या कर रही है ये रिलके बना रही है सही है भाई ये देखें ये रिलके और ये इन्होंने खिड़की और ये बिस्तर दूसरा बाकी ये एक गांव का पूरा व्यू दे रहा है लुक आ रही है गांव ये सिंध म्यूजियम हैदराबाद का पार्ट वन है पार्ट टू जल्दी आएगा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो आज की न्यू वीडियो में आपका खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम और मैं आज आया हुआ हूँ हैदराबाद और हम लोग आए हैं सिंध म्यूजियम और यहाँ का विजिट करते हैं। मेरे साथ मेरे चाचा हैं चाचा असगर और लुकमान है मेरे कज़न और हम लोग अभी अंदर जाएंगे डिस्कवर करते हैं यहाँ का सिंध म्यूजियम और आपको दिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो। अंदर हम चलते हैं अंदर। ये यहाँ पे टिकट वगैरह लेना पड़ता है टिकट लेना तो मैं क्यों लेना हाँ क्यों ये रक्षा है ये तो खड़ा किया है ना उन्होंने तो बाहर आ गए ये हॉल है अभी खुला हुआ है बंद है ये हॉल है अभी खुला हुआ होगा बंद है देख रहे हैं अभी हम अंदर जा रहे हैं चले रहे हैं। अंदर जाते हैं हम देखते हैं। चाचा आप कितना टाइम पहले आए थे यहाँ म्यूजियम में दो तीन माह हो गए आपको तो अभी हम देखते हैं हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि यहाँ के सिंध म्यूजियम की क्या यहाँ की सिंध की सकाफत वगैरह है। ये इन्होंने कुछ हिस्ट्री के हवाले से पिक्चर्स लगाई हैं यहाँ पर ये देखें ये एक दीवार पर इन्होंने हिस्ट्री एक सिंध की सकाफत की एक उजागर की है इन्होंने और चलते हैं आगे। और ये क्या है ये वो होते हैं ना चारपाई हो गए पाए वगैरह ये सही है भाई। चलो सिंध म्यूजियम पार्क और काफ़ी नया बनाया है इन्होंने नया पार्क और ये देखें ये बिल्कुल झोपड़ी की तरह जैसे गांव में होते हैं उस तरह ही इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये चाचा आपने देखा था पहले ये नहीं देखा आपने सही है चलें देखते हैं आगे। चलो भाई लुकमान भाई अरे लुकमान भाई है हमारे गाइड आज के लुकमान भाई यही रहता है हैदराबाद में तो अबे गाइड कर देंगे यार ये झोपड़ी की तरह बनेगी ये आप जाएंगे यमुमन थर में और वहाँ के गांव वगैरह होते हैं तो ये इस तरह का इन्होंने ये बनाया हुआ है कल्चर की वो दिखाई हुई है कि ये बकरी खड़ी है और गाय ये इन्होंने पत्थर के बनाए हुए हैं कि उनके जो घर होते हैं उनके साथ ये होता है ये जो अपना वो है और इसके साथ ही ये थर का चंडो नाम से ये बनाया हुआ इन्होंने ये इसका क्या मतलब है यार लुकमान भाई हाँ लुकमान भाई
इसका मतलब क्या होगा? चुनड़ो, ये एक झोपड़ी है, इनको ज्यादा झोपड़ी के नाम से सही है। ये उन्होंने बेसिकली थर का कल्चर दिखाया है यहाँ पे। सही है, सही है। ये क्या होता है यार अपना? ये वो बैल के आगे लगाते हैं, बैल गाड़ी का ये वो है, गाड़ी है समझो। ये भी लकड़ी का ही है और ये इसके पाँव भी लकड़ी के ही होते हैं, टायर। सही है। सामान वगैरह के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं गांव में। और ये भी थर में यूज़ होता है, ये भी थर में ही है। थर का कल्चर इन्होंने बेसिकली दिखाया हुआ है सारा। और ये ऊंट है, इस तरह के ऊंट ये लोग घर में पालते हैं। यहाँ पे खुद इन्होंने रेती वगैरह रखी है। एक गाँव का इन्वायरमेंट है यहाँ पर, एक इन्होंने इन्वायरमेंट भी गाँव का ही क्रिएट किया हुआ है। ये देखें पूरा ब्यूटीफुल एक गांव की तरह का लुक आ रहा है इनका। बाकी देखते हैं आगे। तो हम आपको दिखाते हैं अभी आगे। और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी कल्चर डिपार्टमेंट ने डेवलपमेंट की हुई है। सिंध म्यूजियम में काफ़ी अब डेवलपमेंट हो रही है। ये इसको बोलते हैं खूब, बोलते हैं वॉल बोलते हैं। सही है। ये एक वॉल है जो कि हम देख सकते हैं गांव में। इसी तरह हम पानी वगैरह निकालते हैं। ये देखें ये पानी इसमें भी मौजूद है भाई। लुकमान में पानी है यार इसमें भी। यहाँ से खींचते हैं पानी। हाँ पानी खींचते हैं, तो गाँव में भी इसी तरह होता होगा ये सारा सिस्टम। चाचा ये गांव में भी ऐसे ही करते हैं पानी वगैरह निकालने का? गांव में भी ऐसा ही होता है, गांव में भी पूरा यही सिस्टम होता है। और मैं भी अक्सर जाता हूं गांव, तो वहां पानी ऐसे ही हम निकालते हैं क्योंकि वहां पे कोई टंकी सिस्टम नहीं है, लाइन सिस्टम नहीं है जिस तरह हमारे पास आता है। तो वो गाँव में भी इसी तरह यही सिस्टम चल रहा होता है। और ये बच्चे किसी स्कूल से आए हुए हैं। कौन से स्कूल से आए हो आप? अच्छा पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पर है? ये पुरानी सलावत, मतलब इस शहर से बाहर जी। मतलब किस शहर से? ये हाला। हाँ हाला से। आप सर हैं इनके? आप सर हैं इनके? अच्छा ये सर हैं। आप किस चीज़ के सर हैं यहाँ पे? मैं मैथमेटिक्स। माशाल्लाह मैथमेटिक्स। तो अभी बच्चों को आप टूर करवाने आए हैं? सही, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। ये देखें व्यूअर्स, इनका कल्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये बच्चे आए हुए हैं हाला से। स्कूल बता दें, अल शफा पब्लिक स्कूल। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है अब्दुल हसीब सैतो के नाम से। तो इंशाल्लाह जल्द ही ये वीडियो आएगी, इसमें आप भी देख लेना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू। अभी हम और भी डिस्कवर करेंगे, हम व्यूअर्स को दिखाएंगे। तो थैंक यू, आपका शुक्रिया। ठीक है आगे चलते हैं व्यूअर्स। चलें तो हम बाहर चलते हैं, दिखाते हैं आगे आपको इसका दूसरा एरिया म्यूज़ियम का। आवाम भी आती जा रही है अभी। ये शॉप है कल्चर के हवाले से। और चलते हैं अंदर। तो ये कल्चर, इन्होंने दीवारें लगाई हैं। ये इन्होंने एशियन सिविलाइजेशन, मतलब पुराने दौर की जी, मोहनजोदड़ो। ये सही है, ये इनका प्लेट लगा हुआ है जब से ये बना है। और रेनोवेशन वगैरह की हुई है। ये LCD पे इन्होंने व्यू भी दिखाया हुआ है कि सिंध का पूरा कल्चर डिपार्टमेंट में। ये भाई रिसेप्शन पे होते हैं। चलें आगे दिखाते हैं आपको। अंदर सीधा ये रास्ता जा रहा है। चलें भाई दिखाते हैं आपको एक एक चीज़ सिंध म्यूज़ियम की। और उस हवाले से ये आप देखें, हम लोग जाते हैं अंदर। ये देखें ये पिक्चर लगाई हुई है इन्होंने, यहाँ भी हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मटका होता है। ये एक इन्होंने घर बनाया हुआ है, जिस तरह विलेज लाइफ में घर होते हैं
उसकी लाइफ का एक अक्स इन्होंने बनाया हुआ है, कल्चर है सिंधी। और ये देखें, ये बच्चा, ये इसके दादा और ये अबू जी और ये लेडीज़, लेडीज़ का जो यहाँ पे होता है रोल, ये है पीछे, ये कोई बना रहे हैं कुछ जी जी, वो आटा पीस रही हैं, आटा पीस रही हैं और ये पिंगा झूल रही हैं और ये धागा बना रही हैं यूएस। ये देखें अगर, और दूसरे जो होता है नाड़े और दूसरे इनके चीज़ें, बाकी ये एक अच्छा एक कल्चर है। ये पीछे दीवार घुमाएंगे, ठीक है। तो अभी हम अंदर आ गए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विलेज लाइफ का अक्स मैंने आपको दिखाया, और आगे भी चल के आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के सिंध से, ये गांव में घर किस तरह से होते हैं और वहाँ की लाइफ, लेडीज़ वगैरह दिखाई है इन्होंने। ये देखें, ये गांव में दरख्त और ये इन्होंने बिल्कुल ही रियलिस्टिक बनाया हुआ, ये दरख्त देखें आ रहा है और ये इसमें लेडीज़, और ये इस तरह से चारपाई रखी जाती है घर में, और ये पीछे इस तरह का ही लुक दिया हुआ है जैसे गांव में नॉर्मल होता है। तो इस पे ये बर्तन वगैरह रखते हैं गांव में, और ताकि वो शो हो सके, ये बर्तन वो दिखाते हैं। खाना बना रही है, किचन इस तरह का होता है वहाँ पे, लकड़ी यूज़ होती है, गैस तो नहीं होती गांव में, तो लकड़ी ही यूज़ होती है वहाँ पर भी। लुकमान भाई, इसको इसको क्या कहते हैं, ये मटके की वो है, सपोर्ट के मटके की वो है, स्टैंड है, चलो भाई सही है, ये मटके की स्टैंड है। ये लेडीज़ कुछ उठा रही हैं, ये क्या कपास उठाई है, कपास सही है भाई, कपास उठा के रखी है इसने। और ये क्या कर रही है, ये रिलके वगैरह, ये रिलके बना रही है, सही है भाई। ये देखें, ये रिलके, और ये इन्होंने खिड़की और ये बिस्तर दूसरा, बाकी ये एक गांव का पूरा व्यू दे रहा है, लुक आ रही है गांव। ये भी है, ये क्या कर रहा है, ये जातों में एनिमल एनिमल में, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सही घोड़ा वगैरह, सही सही। ये मोची जो के जूते जो है दुरुस्त कर रहा है, सही कर रहा है, ये मोची की शॉप है। ये देखें, ये जूते वगैरह पड़े हुए हैं मोची का, इन्होंने एक अक्स बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ये क्या कर रहा है, ये कोई होटल है, खाना वगैरह बन रहा है शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लुकमान भाई बेहतर बताएंगे। ये कपड़ों वगैरह कपड़ों का है, अच्छा मैं तो होटल समझा दे, ये जो डिगड़ी वगैरह लेके बैठा हुआ है यार, पता तो दे, हमें नहीं पता यार लुकमान भाई। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये सर कपड़े, अच्छा अच्छा, रंग सही है भाई, चलो। डीलिंग हो रही है सोने की, ओहो पैसा ही पैसा होगा, डीलिंग हो रही है, सोना रहे, और इसकी शक्ल तो कितनी बड़ी है, डरा रहा है ये तो। ये व्यूअर्स सोनार सोने की शॉप, और ये आप देख सकते हैं, स्टोन कार्विंग। ये क्या कर रही हैं, ये हांडी पच रही है, ये अचार है, और ये लेडीज खाना वगैरह बनाने के लिए किचन,
और ये अपने काम में मसरूफ, गाँव देहात में इसी तरह लेडीज मसरूफ होती है काम में, यही काम होते हैं। चार पाई, इसको हम सिंधी में बोलते हैं खट्टा, खट्टा बोलते हैं इसको। मेहमान वगैरह, मेहमान वगैरह आते हैं तो इसको रेली वगैरह बिछा कर, तकिए वगैरह देकर इस तरह उनको बिस्तर तैयार दिया करके दिया जाता है। अच्छा यार, कोई ठप्पे वगैरह लगा रहा जी, डिजाइन कर रहा है। ये सिंधी टोपी, ये सिंधी टोपी है और उसकी डिजाइनिंग हो रही है। ये हमें मिल गया, ये बंदा सिंधी टोपी इसने दरियाफ्त की थी, ये इसने ही ये डिजाइन बनाए हैं सिंधी टोपी के। वाह वाह भाई वाह। जिए सिंध, जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध। और ये कल्चर है सिंध का, सिंधी टोपी। और ये देखें, इसके पास काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं सिंधी टोपी के हवाले से। इन्होंने ये डब्बों में रखी है सिंधी टोपियाँ। और अब तो खैर कल्चर डे भी आ गया, उसमें भी सिंधी कल्चर काफ़ी प्रमोट हुआ लुकमान भाई, तो सिंधी टोपियों की सेल भी काफ़ी हो गई है। पहले लोग इतने नहीं करते थे, लेकिन अब इसकी सेल हो गई है। ये बर्थ का काम, लेडीज़ जो कढ़ाई वगैरह करती हैं, सिलाई वगैरह करती हैं गाँव में, ये दिखाया गया है, इन्होंने दिखाया हमें।